हेलो एंड वेलकम टू द मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस में आप सभी लोगों का वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 एक्सरसाइज 14.3। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, मतलब एक रेखा का भाग। विदाउट मेजरिंग पीक्यू, बिना मेजर किए कंस्ट्रक्ट अ कॉपी, और पीक्यू की कॉपी बनानी है हमें। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया गिवन सम लाइन सेगमेंट, कुछ बताने हैं जो लेंथ जिनकी हमें पता नहीं है, कंस्ट्रक्ट करना है पीक्यू सच दैट लेंथ ऑफ पीक्यू। इसी प्रकार हमें पीक्यू की लेंथ करनी है जो कि एबी के ट्वाइस हो, यानी कि उसका दो गुना हो, एबी के दो गुना हो। ओके, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.3 की कम्प्लीटली। और इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को भी देखेंगे। अगर हमें एक ऐसा रेखाखंड खींचना हो, कि ऐसी लाइन खींचनी हो जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, जैसे मान लिया हमने ए बी है, वो ए से लेकर बी तक एक लेंथ है, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? इसके बाद जो स्टेप टू होगी वो सबसे पहले हम लेंगे अपना कंपास। कंपास लेने के बाद सबसे पहले इसकी लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे कि ए से लेकर बी तक का कितना है, मतलब फिक्स करना है कंपास के पॉइंटर ए को और एंड पॉइंट उसका बी पेंसिल से, और ओपनिंग करना है उतना इंस्ट्रूमेंट। और फिर थर्ड टाइम में जीत, अब इतना ही हमें मार्क करना है तो हम एक ब्लैंक पेपर पे सी से लेके ए तक क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो स्विंग कर लेंगे आर्क को एल, तो हम कह सकते हैं कि अब ये सी डी इज अ कॉपी ऑफ ए बी, मतलब ए बी किसके बराबर हो गई है, सी डी के बराबर हो गई है। तो कम्प्लीटली ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है उसके लिए, और क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड पूछा गया है उसके लिए भी सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन्हें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेप्स कंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले पी क्यू एक लेंथ हम दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, सेम वैसे हमने पॉइंटर को पॉइंट आउट किया और सेम एक लाइन ए बी को हमने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे हम आर्क को ड्रॉ करने के बाद हम लोग कट कर सकते हैं एल, जो एल वाली लेंथ है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ए बी इज अ कॉपी ऑफ पी क्यू, सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसके अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होंगी। अगर बात करें स्टेप्स टू के कंस्ट्रक्शंस की, तो स्टेप टू के अंदर सबसे पहले ए बी वही लेंथ दिया हुआ था, पी क्यू पी आर और आर क्यू तक हमें लेंथ को खींचना था जो कि ट्वाइस होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हमने माप लिया, ए से लेके बी तक के हमने अपने कंपास की मदद से एक पॉइंट जो उसका पॉइंट है उस एक पॉइंट को फिक्स करके और एक तरफ पेंसिल रख के हमने माप लिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया, ठीक है, आर तक। फिर यहाँ पे हमने फिर रूलर को रखा, फिर विदाउट चेंजिंग कंपास सेटिंग प्लेस द ऑर्डर क्यू, फिर ऑर्डर क्यू पे रखेंगे तो इसकी सीधे डबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 10 लेंथ पी क्यू इज रिक्वायर्ड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ था ए बी ट्वाइस है किसके, पी क्यू ट्वाइस है ए बी के। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर भी आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप उन लोगों तक ये लेक्चर को पहुंचा सकते हैं जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।